महाराष्ट्र में जबरदस्त बवाल चल रहा है, खासतौर पर मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर प्रदर्शनकारियों का बवाल लगातार जारी है। मुंबई में मेट्रो सेवा रोक दी गई है, एसी लोकल की सेवा भी आज के लिए रोक दी गई है। प्रदर्शन के बीच में अन्य लोकल सेवाएं जो हैं उन्हें जरूर जारी रखा गया है, लेकिन कई लोकल सेवाएं ठप पड़ चुकी हैं। दूर की जो ट्रेनें हैं उन्हें रद्द नहीं किया गया ताकि सहूलियत बनी रहे, लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। घाटकोपर इलाके के जो कई इलाके हैं वहां पर भी परिस्थितियों पर नजर बनी हुई है। पोवन में भी प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। गोरेगांव रूट पर ट्रेनों का आवागमन सामान्य हो गया है। मुंबई मामले से जुड़ी हुई सबसे ताजा अपडेट आप देख रहे हैं। बारामती और सतारा जिलों के लिए जो बसें हैं उन्हें जरूर रोकी गई, उस ओर जाने वाली बसों को। मुंबई के वर्ली में दो बसों में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ मचा दी। घाटकोपर, मुलंड और नवी मुंबई में बस रोकने के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। आज मुंबई ठाणे में कुछ स्कूल बंद रहे हैं तो कई स्कूलों में स्टूडेंट्स कम पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां हैं, कई संगठनों ने आज महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया था, बंद बुलाया था। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वेस्टर्न एक्सप्रेस जाम किस तरह से प्रदर्शनकारियों ने किया, तो दूसरी तस्वीर देखिए, बेस्ट की बस में जमकर तोड़फोड़ की गई है, ऑटो रिक्शा तक पर गुस्सा निकाला गया है। वहीं इन तमाम प्रदर्शन की वजह से लोकल की रफ्तार धीमी हो गई है, जो कि महाराष्ट्र मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है। एसी लोकल भी नहीं चल सकी तो भायंदर में सड़क प्रदर्शन किया गया। सड़क पर किस तरह से प्रदर्शनकारी उतरे हैं ये तस्वीरें आपको बता दें। 1 तारीख को जिस तरह से 200 साल पुराने जंग को लेकर प्रदर्शन हुआ, लेकिन उसके बाद में प्रदर्शन हिंसक होता चला गया और वो हिंसा अभी भी महाराष्ट्र को जला रही है। जाति की जंग में महाराष्ट्र किस तरह से जल रहा है वो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। महाराष्ट्र हिंसा को लेकर दिल्ली में भी जमकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र हिंसा की आंच अब दिल्ली तक भी पहुंच गई है। दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ। महाराष्ट्र सदन के बाहर लेफ्ट छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया है, नाराजगी जताई गई है। यह तस्वीर देखिए, यानी कि महाराष्ट्र में जिस तरह से जाति की जंग की चिंगारी सुलगी, वो चिंगारी अब दिल्ली तक पहुंची है। महाराष्ट्र सदन के बाहर ऐसा का प्रदर्शन देखने को मिला है। लेफ्ट छात्र संगठन ने प्रदर्शन किया, इस दौरान पुलिस ने भी पूरी स्थिति को बनाए रखा। ये तस्वीर, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए। और हमारे सहयोगी वसीम चैंबूर से जुड़ रहे हैं, तो सोनल मलाड से जुड़ रही हैं। सबसे पहले हम वसीम का रुख कर लेते हैं। वसीम, अगर अभी की बात करें तो आधा दिन लगभग निकल चुका है, बंद का ऐलान भी किया गया था, कई संगठनों ने बंद बुलाया था, प्रदर्शन लगातार देखने को मिले, अभी क्या तस्वीर? देखिए, इस वक्त जो आंदोलन है वो काफी तेज हो चुका है। हमने शुरुआती दौर में देखा था कि काफी यातायात में इतनी दिक्कतें लोगों को नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे लोगों की तकलीफें बढ़ती चले गई। मैं आपको सेंट्रल लाइन की अगर बात करूं तो अब भी जो ट्रेनें काफी रुकी हुई है, जिसकी वजह से कई भी यात्री हैं अब पहुंच नहीं पा रहे। घाटकोपर का इलाका हो, नाहूर का इलाका हो, थाने का इलाका हो, ये जो ट्रेन सेवा है अब भी पूरी तरह से रुकी है। घंटों घंटों लोग ट्रेन में बैठने के बाद पटरी से चलना मुनासिब समझ रहे थे। वही अगर बात करें रास्तों की, तो खास करके जो हाईवे एक्सटर्न एक्सप्रेस हाईवे है उसे पूरी तरह से रोक दिया गया। कई गाड़ियां को तोड़ा गया है, कई जख्मी हुए हैं इस पूरे घटना के दौरान। यहाँ तक कि जो छोटी गाड़ियां हैं, बाइक, इसे भी नहीं छोड़ा गया है। तो ये जो हिंसा का एक पूरा रूप साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो अपनी मांगों को लेकर जो आंदोलन यहाँ पे साफ तौर पे जो उनकी नाराजगी ये जाहिर कर रही है, लेकिन इसका सीधा असर मुंबई की लाइफ लाइन पे पड़ रहा है। लोग परेशान हैं और कई लोग ऐसे हैं जो सुबह से निकले हैं लेकिन अपने घर या फिर बिल्कुल, यानी कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो चैंबूर की स्थिति हमने देख ली, अब मलाड़ का रुख कर लेते हैं। सोनल हमारे साथ में जुड़ी हुई है। सोनल, अगर मलाड़ के इलाके की बात करें तो यहाँ पे भी काफी क्राउड देखने को मिलता है, लेकिन अगर आज की बात की जाए 2 से ज्यादा का वक्त हो चुका है, क्या अभी भी यहां पर ऐसी ही स्थिति बनी हुई है या फिर यहां पर भी प्रदर्शन का असर नजर आता है?
आपको बताऊंगी, ये बेलार्ड पियर है, ये टाउन का एरिया है। यहाँ से सीएसटी स्टेशन 2 मिनट की दूरी पर है, गेटवे ऑफ इंडिया 2 से 4 मिनट की दूरी पर है, मरीन ड्राइव 5 से 7 मिनट की दूरी पर है। तो ये मुंबई का सबसे बड़ा हब है। यहाँ पर ढेर सारे ऑफिसेज हैं, जो राजनीतिक ऑफिसेज हैं वो भी यहाँ पर है, बीएमसी यहीं पर है। आमतौर पर आम दिनों में ये जो रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरा खचाखच भरा रहता है, गाड़ियों की आवाजाही रहती है, लेकिन आज लोग जो हैं नहीं आए हैं, गाड़ियां कम निकली हैं, लोगों ने घरों से कम कदम रखा है, और यही वजह है कि फिलहाल इस रास्ते पर सन्नाटा है। मैं जहां पर हूं, यहां पर कुछ ही देर में प्रकाश आंबेडकर भी बात करने वाले हैं मीडिया से। अगर बात करें ओवरऑल सिचुएशन की, तो सवेरे से सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे दिन शुरू हुआ है, 9-10 बजे के आसपास हर जगह पर जिस तरह से चक्का जाम हुआ है, रास्ता रोको किया गया है, ट्रेन रोको किया गया है, एसी और मेट्रो ट्रेन को रोका गया है, उससे जो है लोग काफी डर गए हैं। जो लोग सवेरे ऑफिस के लिए निकल भी गए थे, वो भी कोशिश करने कि जल्द से जल्द घर पहुंच जाए, और रूट्स को, क्योंकि न्यूज चैनल देखे उन्हें रूट्स का भी आइडिया लग रहा है, तो कई लोग ऑफिस में ही बैठकर अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं। ऐसे कई लोगों से हमारी बात हुई जो कि ऑफिस में ही बैठे हुए और इंतजार करें कि सब स्थिति सामान्य हो और वो घर के लिए निकले। अगर वीटी स्टेशन की बात करें, वहां जाकर भी हमने जायजा लिया, वहां भी काफी 11 बजे से कोई ट्रेन नहीं चली है। इक्का दुक्का ट्रेन अगर चली भी है, क्योंकि वो लॉन्ग रूट की जितनी भी ट्रेनें हैं, साथ ही साथ लोकल रूट की जो कि करजत, कसारा, कल्याण, थाने जाती हैं, वो सारी ट्रेन बाधित हो गई हैं। कोई ना ट्रेन आ रही है, ना कोई ट्रेन जा रही है। भीड़ जो है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। यात्रियों के लिए प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम है। हमने स्टूडेंट्स से भी बात की थी, स्कूल कॉलेजेस सवेरे खुले जरूर थे, लेकिन कुछ कम स्कूल आए, कुछ कम बच्चे आए, कुछ स्कूलों ने आधे दिन पर छुट्टी दे दी, कुछ कॉलेजेस ने कई लेक्चर्स को छोड़ दिया, कई लेक्चर्स के पहले ही बच्चों को छोड़ दिया। तो सिचुएशन ओवरऑल जो थी, शुरुआत में कंफ्यूजन की थी, लेकिन 10 बजे के आसपास सारी जो चीजें हैं, बिल्कुल, यानी कि हमेशा भागती दौड़ती जिंदगी जहां पर नजर आती है, सोना कहा जा सकता है, मुंबई अब जरूर वहां पर थम सी गई है जिंदगियां, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भीड़भाड़ अब बिल्कुल नजर नहीं आता। लोग जो हैं अपने ऑफिस में ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, स्कूल या कॉलेजेस में अब स्टूडेंट्स नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शन लगातार नजर आता है।